हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपनी बात करेंगे क्लास थर्ड के एक्सरसाइज 1.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अपने ए और क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, अभी बात करेंगे अपने क्वेश्चन सी के। ठीक है, ये जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है अपना 1.3 जो अपनी एक्सरसाइज है, ये कम्प्लीटली डिपेंड है अपने सक्सेसर और प्रीडिसेसर पे। ठीक है, ये अपने को अगर आता है अच्छे से तो अपने उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सी देखना ध्यान से, क्या है सी वाला। ठीक है, सी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट। ओके, अभी चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इसको फर्स्ट से। द सक्सेसर ऑफ वन इज जीरो। सक्सेसर जो होता है वो वन मोर देन होता है किसी नंबर का, है ना, वन अधिक। ठीक है, मान लीजिए टू का सक्सेसर अपने को निकालना है तो प्लस वन इसमें करना पड़ेगा अपने को, तब जाके उसका टू का क्या निकलेगा, सक्सेसर निकलेगा। टू का सक्सेसर क्या होगा, थ्री होगा। ठीक है, फोर का सक्सेसर फाइव होगा, नाइनटीन का सक्सेसर ट्वेंटी होगा, ऐसे वन मोर देन, है ना। ठीक है, वन मोर। ठीक है, अब मान लो प्रीडिसेसर निकालना हो तो एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, वन लेस होगा। ठीक है, अब इसने बोला है, बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द सक्सेसर ऑफ वन, वन का सक्सेसर यानी वन एड करो उसमें, वन का सक्सेसर क्या होगा, टू। लेकिन इसने बोला है दिस सक्सेसर ऑफ वन इज जीरो, ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि वन का सक्सेसर जीरो नहीं होता। तो क्या हो गया, इसमें क्या लिखना है अपने को, फॉल्स लिखना है। फर्स्ट क्या हो गई अपनी, फॉल्स हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपना सेकेंड नंबर देखना ध्यान से, जो सेकेंड है अपना, सेकेंड जो है दिस सक्सेसर ऑफ ए नंबर इज़ वन मोर देन ए नंबर। ये बिल्कुल सही बात कही है इसने, क्योंकि द सक्सेसर ऑफ ए नंबर वन मोर देन द नंबर, है ना, एक अधिक होता है सक्सेसर, किस नंबर का सक्सेसर उससे एक अधिक होता है। बिल्कुल सही है, ये अपनी ट्रू होगी, टी लिखो यहाँ पे। ठीक है, सेकंड में अब थर्ड जो है अपना, थर्ड जो है द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, यानी फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर। देखना ध्यान से, फोर डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 1000। ठीक है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज़ द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। अब थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर होता है 999। अब ये क्या बोल रहा है देखना, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर यानी फोर डिजिट का जो नंबर है स्मॉलेस्ट, वो है द सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर। थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट के सबसे बड़े नंबर का सक्सेसर है, बिल्कुल है, इसका सक्सेसर 1000 होगा, क्योंकि वन एड इसमें करूँगा मैं, 999 के जस्ट आफ्टर आता है अपने 1000। तो बिल्कुल सही बात है, ये 999 का जो सक्सेसर होगा वो 1000 होगा। ठीक है, तो यानी जो वन फोर डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है वो सक्सेसर होगा इसका, थ्री डिजिट के सबसे बड़े नंबर का। बिल्कुल सही है ये। चलिए, ये हो गया अपना, ये भी ट्रू है अपना। थर्ड, थर्ड जो है वो भी क्या है अपना, ट्रू है। अब जो नेक्स्ट है देखना ध्यान से, द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ठीक है, लिख लिया मैंने, इज़ द प्रीडिसेसर। ये है प्रीडिसेसर, किसका बोला है, ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ऑफ द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। बिल्कुल सही है, ये प्रीडिसेसर है किसका, इसका। बिल्कुल सही है ना, फोर डिजिट का जो सबसे बड़ा छोटा नंबर है उसका प्रीडिसेसर होगा द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर, है ना, थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। बिल्कुल, थाउजेंड से पहले क्या आता है अपना, 999। तो इसका जो प्रीडिसेसर होगा, फोर डिजिट के सबसे बड़े नंबर का जो प्रीडिसेसर होगा वो थ्री डिजिट का सबसे बड़ा, फोर डिजिट के सबसे छोटे नंबर का जो प्रीडिसेसर होगा वो थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी ये। तो ये भी क्या है अपना, ट्रू है। ठीक है, ये लो, इसमें मैंने फोर्थ में भी क्या लिख दिया, मैंने ट्रू लिख दिया। ये लो, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे भी, ट्रू। अब जो फाइव एंड लास्ट जो है अपना, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर। टू डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, वही तो होता है ना सबसे छोटा, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, यानी मान लो टू डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है अपने 10 से, तो इससे छोटा तो नंबर ही नहीं है ना टू डिजिट का, तो 10 टू डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, अभी अगर अपने अपने को किसी डिजिट का सबसे छोटा नंबर देखना है, मान लो 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर अपने को देखना है, तो वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 5 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ठीक है, वो अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है,
अगर मान लो अपने को 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर देखना है, तो 5 डिजिट का जो नंबर है वो ख़त्म कहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो वो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है, ऐसे अपने नंबर बड़ा होता देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इससे पहले जो नंबर आएगा वो 9 है, जो कि 2 डिजिट का नहीं है, 2 डिजिट के नंबर यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इज़ दी प्रीडिसेसर, ये जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो प्रीडिसेसर है किसका, ऑफ द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है, और 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1, ठीक है, ये लो 9 है, ठीक है। ये बोल रहा है कि क्या ये प्रीडिसेसर है, क्या ये प्रीडिसेसर है, ये बिल्कुल नहीं है ये प्रीडिसेसर, ये सक्सेसर है 9 का, ये प्रीडिसेसर नहीं। बोला है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज प्रीडिसेसर, जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो प्रीडिसेसर है किसका, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ठीक है, बिल्कुल नहीं है ये, रोंग हो गया है। तो इसमें क्या लिखूँगा मैं, फास्ट लिखूँगा, ठीक है। जो लास्ट है अपना उसमें क्या आएगा अपना, फास्ट आप लिख देना, ये लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फास्ट सही, ठीक है। तो ये अपना हो गया, तो 1.3 जो अपनी एक्सरसाइज है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो कल अपनी बात करेंगे 1.4 एक्सरसाइज की, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एक बात ध्यान से सुनना, ये जो वर्क है आपको यहाँ भी करना है और अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है, ठीक है। चलिए, फेयर में तो सारा काम अपने को करना है, एक बात ध्यान रखना, जितनी भी यूनिट्स अपनी चलेंगी, ठीक है, वो फेयर में तो अपने को करना ही है, ठीक है। लेकिन जहाँ भी बुक में अपने को ब्लैंक्स मिले, ध्यान से सुन लेना, जहाँ भी बुक्स में अपने को ब्लैंक्स मिले वहाँ अपने को वो चीज़ें करनी पड़ेगी, वहाँ भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फेयर में तो अपने को करना ही करना है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। लेकिन बुक्स में जहाँ अपने को ब्लैंक्स मिले, ठीक है, तो वहाँ भी अपने को वो चीज़ें करनी है। ये अपना हो गया, ठीक, थैंक यू।